तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत न मिलने से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे मोदी। नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ एक फ्लाइट में आ रहे हैं दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के साथ करेंगे गठबंधन, मोदी अमित शाह के लिए झटका। अयोध्या से बीजेपी की हार से भड़के अयोध्या के साधु संत, अयोध्या की जनता को बता दिया रावण। इस बार के लोकसभा चुनाव में 24 मुस्लिम बने सांसद, क्रिकेटर यूसुफ पठान ने भी जीत की हासिल, पूरे देश में मुस्लिम उम्मीदवारों की चर्चा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ, केजरीवाल ने पहले ही कर दिया था दावा। 234 सांसदों के साथ भारत के इतिहास में सबसे मजबूत विपक्ष हुआ इंडिया गठबंधन, भाजपा के साथ हो गया खेला, अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं कर पाएगी मनमानी। पश्चिम बंगाल में हुआ बड़ा उलटफेर, बीजेपी को झटका देते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा का कर दिया सूपड़ा साफ, 34 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने रच दिया इतिहास, मोदी अमित शाह की नहीं चली आंधी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाने के कारण पीएम नहीं बन पाएंगे मोदी। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बहुमत बीजेपी को नहीं मिल पाने के कारण प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करना होगा, तभी बीजेपी केंद्र में सरकार बना पाएगी। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार पीएम नहीं बन पाएंगे, इस बार इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार एक फ्लाइट में ही दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आकर वो इंडिया गठबंधन के नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि अगर उनको कोई बड़ा ऑफर दिया जाता है तो वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो इंडिया गठबंधन के साथ केंद्र में सरकार बना लेंगे। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के एक फ्लाइट में दिल्ली आने के कारण पूरे भाजपा में हलचल मची पड़ी है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता बयान देने से भी कतरा रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुशी भी नहीं मनाई है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट 2 साल पहले कर रहे थे, उनके भी मन में बीजेपी के साथ जाने की नहीं है, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी बार बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से फोन पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही नेता बीजेपी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी इस बार खटाई में पड़ गई है और बीजेपी की सरकार केंद्र में इस बार नहीं बन सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की, तो अयोध्या में बीजेपी की हार से भड़के साधु संत, अयोध्या की जनता को बता दिया रावण। जदू साहब को बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी की आदि में बीजेपी के नेताओं का सूपड़ा साफ हो गया, यहां तक कि राम मंदिर के नाम पर 2 बार चुनाव जीतने वाली भाजपा अयोध्या लोकसभा चुनाव लोकसभा सीट भी नहीं जीत पाई। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या लोकसभा सीट में बीजेपी की हार से अब अयोध्या के बाबाओं को मिर्ची लगी है। अयोध्या के बाबा जो दिन रात राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कोसते थे, उन्होंने अयोध्या की जनता को रावण बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर के बाबा हनुमानगढ़ी महंत ने बुरी तरीके से इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या की जनता को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवाया था, लेकिन अयोध्या की जनता ने उनको धोखा दिया और समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिता दिया। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में बीजेपी की हार से पूरे देश में भाजपा की नाक कट गई है और पूरा देश बीजेपी को कह रहा है कि आप बोलते थे कि हम राम को लेकर आए हैं, लेकिन राम को कोई नहीं ला सकता, इसलिए भगवान राम ने आपको धूल चटा दी और अयोध्या से आपको हरा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अयोध्या लोकसभा सीट हारने से बीजेपी की पूरे देश में नाक कट गई है और सभी लोग बीजेपी की मजाक बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं चला प्रधानमंत्री मोदी का जादू, ममता बनर्जी की आंधी में बीजेपी का हुआ सूपड़ा साफ। जदू साहब को बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जादू इस बार नहीं चल पाया है, ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के नेता नहीं टिक पाए और सभी सीटों पर हार गए। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन 42 लोकसभा सीटों में 32 लोकसभा सीटों पर जो है ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं और 8 सीट भाजपा के खाते में आई है। बीजेपी ने बड़े बड़े धुरंधों को यहां पर टिकट दिया था,
लेकिन सभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने धराशायी हो गए और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को धूल चटा दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुब्रमण्यम स्वामी की भविष्यवाणी हुई सही, तीसरी बार पीएम नहीं बनेंगे मोदी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पीएम देश के नहीं बन पाएंगे और ये भविष्यवाणी सुब्रमण्यम स्वामी ने लोकसभा चुनाव से पहले कर दी थी। दरअसल आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने दावा किया था कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी पीएम नहीं बन पाएंगे क्योंकि भाजपा को बहुमति इस बार नहीं मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि जब रिजल्ट सामने आए तो बीजेपी मात्र 238 सीटें ही जीत पाई, जबकि सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 272 सीटें चाहिए थी। वहीं आपको बता दें कि बहुमत ना मिलने के बाद अब सुब्रमण्यम स्वामी की भविष्यवाणी ठीक हो रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी बड़ी मुश्किल से पीएम बन पाएंगे वरना राहुल गांधी पीएम बनेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा की चिंता बढ़ गई है और जो सुब्रमण्यम स्वामी का बयान था वो इस समय वायरल है और वो ट्रेंड कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बन पाएंगे और भाजपा चुनाव नहीं जीत पाएगी क्योंकि मोदी सरकार के 6 मंत्री इस बार लोकसभा चुनाव में हार गए हैं। स्मृति ईरानी जो सबसे बड़ी नेता मानी जाती थी, गिरिराज सिंह जो दिन रात मुसलमानों को गालियां देते थे, वो भी हार गए। यानी मोदी सरकार के 6 केंद्रीय मंत्री इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के सामने हार गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ, योगी की बड़ी चिंता। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार से योगी आदित्यनाथ अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। केजरीवाल ने पहले ही दावा किया था कि लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा और वो मठ भेज दिए जाएंगे और ऐसा ही होता दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 42 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, जबकि भाजपा के खाते में मात्र 37 सीटें ही रही हैं, वो माफ़ कीजिएगा 32 सीटें ही रही हैं। वहीं आपको बता दें कि 32 सीटें जीतने के बाद अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में आ गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा घाटा हुआ है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से अब हटाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ की भी नैया डूब गई है। जो प्रधानमंत्री बनने का सपना योगी देख रहे थे, अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को 15 सेकंड में निपटाने की चुनौती देने वाली बीजेपी नेता का हुआ सूपड़ा साफ। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती से चौंकाने वाली खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा कौर हार गई हैं। अमरावती में जब वो चुनावी सभा को संबोधित करने आई थी, तब उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई को 15 सेकंड में निपटाने की धमकी दी थी। लेकिन आपको बता दें कि अब जब ये चुनाव लड़ी तो यहाँ पर ये बुरी तरीके से हार गई हैं और यहाँ पर जो है शिवसेना के बलवंत बानखेड़े जीत गए हैं और नवनीत राणा को यहाँ पर उन्होंने हरा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बुरी तरीके से ये चुनाव हार गए क्योंकि ये भी मुसलमानों के खिलाफ धुआंधार बयान दे रही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 24 बने मुस्लिम सांसद। जो दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मुस्लिम सांसद बने हैं उसकी जानकारी सामने आ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 24 मुस्लिम सांसद बने हैं, यानी 24 मुसलमान जीते हैं और ये सारे के सारे सांसद बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें तेलंगाना से AIMM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी शामिल है। बहरामपुर से TMC के टिकट पर चुनाव लड़कर यूसुफ पठान ने भी जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश से गाजीपुर के और रामपुर सहारनपुर कई सीटों पर उत्तर प्रदेश में जो है जीत हासिल की गई। वहीं अमरोहा लोकसभा सीट से कुमार दानिश भी जीत गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कुल मिलाकर 24 मुसलमान इस बार सांसद बने हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को 15 सेकंड में निपटाने की चुनौती देने वाली बीजेपी नेता का हुआ सूपड़ा साफ। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती से चौंकाने वाली खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा कौर
हार गई हैं। अमरावती में जब वो चुनावी सभा को संबोधित करने आई थी तब उन्होंने असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई को 15 सेकंड में निपटाने की धमकी दी थी। लेकिन आपको बता दें कि अब जब ये चुनाव लड़ी तो यहाँ पर ये बुरी तरीके से हार गई हैं और यहाँ पर जो है शिवसेना के बलवंत बानखेड़े जीत गए हैं और नवनीत राणा को यहाँ पर उन्होंने हरा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बुरी तरीके से ये चुनाव हार गए क्योंकि ये भी मुसलमानों के खिलाफ धुआंधार बयान दे रही थी।